अस्सलाम वालेकुम, गजाला बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वाइट सॉस से मैं बना रही हूँ पास्ता, और इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डाली हैं, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पास्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पास्ता चाहिए। ये पास्ता मैंने 2 कप पास्ता है जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक और ऑयल डाल दिया था, जिसकी वजह से ये चिपके हुए नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। मैंने 3 तरह के पास्ता यूज़ किए हैं, एक ये वाले, और ये आप इसमें कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 तरह के इस्तेमाल किए हैं, आप एक तरह के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको इसमें चाहिए ये कैप्सिकम। कैप्सिकम एक है जो मैंने चॉप करके रखी हुई है। ये चिकन है, 2 ब्रेस्ट पीसेस हैं जो मैंने छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं। ये कॉर्न 1 कप है। सॉसेजेस आप जितना यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, चिकन सॉसेजेस हैं। ये वाइट सॉस है, 1.5 कप के करीब ये वाइट सॉस है। और ये मोजरेला चीज़ है। चीज़ आप जितना डालना चाहें, कम ज़्यादा, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है आपको। ये 1 कप है, आप ज़्यादा यू खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके साथ ये मशरूम्स हैं, मशरूम के मैंने छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं। गार्लिक, क्रश चिली, ऑरिगेनो, सॉल्ट और ऑयल। अब मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि ये किस तरह प्रिपेयर होगा। ये 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ये गरम हो गया है। अब इसमें सबसे पहले एक गार्लिक डालेंगे, गार्लिक को थोड़ा सा सौते करके इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन के साथ ही इसमें सॉसेजेस भी डाल देंगे। अब इसमें नमक और लाल मिर्ची डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो गया है प्रॉपरली। अब इसमें ये कॉर्न डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ये कैप्सिकम भी डाल देंगे। मशरूम डालेंगे। अब ये सब प्रॉपरली कुक हो गया है। अब इसमें व्हाइट सॉस ऐड कर देंगे। अब इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। चीज डालेंगे।
हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। ये तैयार हो गया है, पास्ता तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। व्हाइट सॉस के साथ बनाया है, चिकन वेजिटेबल्स सब कुछ है। जो वेजिटेरियन है वो चिकन और सॉसेजेस ना डालें, वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें श्रिम्प भी ऐड कर सकते हैं इसी रेसिपी में। बाकी आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, बहुत टेस्टी है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।